नमाजें कम पढ़ते थे, वो मुझे एक शेर याद आ रहा है, नमाज पढ़नी ते बिचू हूँ जेन च की है कि मैं चाबियां भुल आया उसे अपने मेज से वो कि जिद पैसे रखते हैं वो दिए। अस्सलाम वालेकुम की होया वो यार दौड़ी दौड़ी तेरी माँ तेरी भैन भजी 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 की होया जी वो मैं चाबियां भुल आया वो लै गया। अल्लाह अकबर ये नमाज है, तेरा इमाम बेहजूर तेरी नमाज बेसजूद, ऐसे इमाम से गुजर ऐसी नमाज से गुजर। अब दुख होता है, अब दुख होता है वहाँ पर जाके फिर बच्चे आते थे कॉलेजों के कि हमने थीसिस लिखना है। दो बंदे थे, मैं था ये मनीर था वो एमए पॉलिटिक्स मैंने ला किया हुआ था। वो आते थे कहते थे हमें कुछ बताएं, फिर उनके सवाल होते थे उनको बताते थे, फिर उनको नंबर शंबर मिलते होंगे। ये जब हमारा पीरियड था फिर मैंने जब यहाँ से डाउनफॉल हुआ मेरा जो हमारे ग्रुप का हमें इधर उधर तितर बितर हो गए, तो फिर ना मैंने एक सोसाइटी बनाई, क्या नाम था उसका मैं भूल गया हूँ, अभी तक मेरे पास कागज़ हैं उसके। उसमें बहुत से जो यूथ थी ना वो आगे शान उस स्टूडियो में मेरे पास कहने लगे जी आपने अपने लिए बड़ा कुछ कर दिया, आपने टीवी भी कर लिया, थिएटर भी कर लिया, रेडियो भी कर लिया, फिल्म भी कर रहे हैं आप। तो मैं जहाँ जाता था ना डायरेक्शन देने के लिए तो मुझे कहते थे दूसरे लोग हमें नहीं बताते। मैं कहते लमिया ने उनको इल्म ही इतना दिया है बस और कुछ नहीं। फिर मेरे जहन में एक आइडिया केम इन टू माई माइंड कि मैं एक किताब लिखूं, वो भी दिखाता हूँ अगर मिल जाती है। वो मैं किताब लिखी, व्हाट इज़ एक्टिंग, हाउ टू डू डायरेक्शन, व्हाट इज़ मूवमेंट। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे रेडियो पे ले गई बाजी यास्मीन नईम टाइम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, नाजरीन तुहाड़ी खिदमत च हाजिर है तुहाड़ा होस्ट बाबर बेग ABID टीवी की तरफों। और नाजरीन अज असी तुहाड़ी मुलाकात करा रहे हैं पाकिस्तान दे बिग सुपरस्टार तो बहुत कोई अगे दी दुनिया साडे बाबा जान, जिन्होंने चाहे वह फिल्म का मैदान होए, चाहे वह स्टेज ड्रामे का मैदान होए, चाहे वह टीवी होवे, माशाल्लाह कई दहाइयां तो काम कर रहे ने और अपने काम का लोहा मनवाया और अपने उस जड़ा फहर पाकिस्तान का सी बरकरार अज तक रखे है। पूरी दुनिया च लोग उन्होंने देखते हैं, पूरी दुनिया च लोग उन्होंने फैन ने। और सब तो पहले तो असं एडवांस उन्होंने मशहूर हाँ कि सानू उन्होंने अज टाइम दिता अपने कोल बैठ का, और इनू मैं अपना एक एजाज भी समझागा। तो साढ़े नाल ने मसूद अख्तर साहब, आओ उन्होंने गल करने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, की हाल ने बाबा जानी? अल्हम्दुलिल्लाह। तुहाड़ी तबीयत कैसी है? तबीयत कभी ठीक हो जाती है कभी नरम हो जाती है। एक्चुअली जिंदगी जो है ना ये बड़ी एक मुश्किल सी चीज़ है, ये गुजारनी बड़ी मुश्किल है। फिर ऐसे जैसे अपने ही नज़रिया के लोग जब लाओगे तो फिर बैठेंगे, वरना नहीं बैठा जाता। शेख सादी कोटेशन है, चोर रहा चोर मिशन असद, वली वली मिशन असद। आप भी जाते होंगे अपने दोस्तों में तो जहाँ आपका मन नहीं मानता होगा आप ऐसे चुप करके मोबाइल निकालेंगे और बंद होगा। हाँ जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, की है? हैं अच्छा मैं आ रहा, मैं 15 मिनट जा रहे। लो जी टेलीफोन बंद किया, यार माजरत माजरत भाई, सारे दोस्तों से एमरजेंसी आ गई, मुझे घर से टेलीफोन आया, मैं फिर आ जाऊँगा घंटे दो घंटे बाद, गया। ये हर एक में अल्लाह ताला ने जो अच्छे लोग हैं जो नेक लोग हैं ये उनका दिल मन, कई दफ़ा लोग कहते हैं आप क्या खाते क्या है आपके पास,
मैं कहता हूँ यार मेरे घर से पूछ लो, अब जब मैं कहीं भी रोटी खाता हूँ मैं आपसे कम खाऊँगा, मुझे खाई नहीं जाती। अगर रोटी राजे के खा लेंगे तो सवेरे उठ के की लबांगे, सोते होंगे ना, कह रही है ना जी? बिल्कुल इस तरह। हाँ नहीं, रात सारी है आराम के लिए दी, अगरचे करें लेकिन ये दुनियादारों की रात जो है वो रात होती है, मेरा दिन है और उनका दिन मेरी रात है, नहीं मेरा दिन उनकी रात होगी। मैं दिन को सोता हूँ, फजर की नमाज अजान सुन के अल्लाह अकबर, अब मेरा कोई नहीं है, नाश्ता करके अस्सलाम वालेकुम। मैं इस तरह की है, बाकी और पूछ लें आप जो पूछना है। ये तो मैं शेख साहब जी की कोटेशन सुनाई दी आपको, थोड़ी बहुत मज़ीद भी करूँगा, जितने मर्ज़ी सवालात पूछें, कम से कम जो मैं अल्लाह की मेहरबानी से जो बात करूँगा सच्ची करूँगा, जो मेरे साथ बीती है वो आपको बताऊँगा, और 90% इसका रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है कि मैंने अपने यूथ के लिए क्या किया और अपने लिए क्या किया। चलिए, जज़ाकअल्लाह बाबा जी। मैं तुहानू ये पूछना चाहवागा कि शो बिज तुहाडा आना शौक सी, हादसा सी, इसरार ते कुछ ऐसा जिंदगी च होया कि तुसी शो बिज आ गए, किहड़े तरीके नाल शो बिज च तुहाडा आना होया? इत्तफाक समझे, मेरे वालिद साहब एक्चुअली डॉक्टर थे, मेरे नाना भी डॉक्टर थे, तो मैं जब पढ़ रहा था तो उस वक्त ये था कि मैं अपने बेटे को बैरिस्टर बनाऊंगा। लॉ की पहली मेरी क्लास थी फर्स्ट ईयर की, और मेरे साथ जो इसमें थे सिकंदर शाहिद थे, सी एम मुनीर थे, वो मेरा क्लास वाला था, और भी बहुत से लोग थे जो पढ़ते थे। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि अलमरा में एक ड्रामा हो रहा था, तो उस वक्त ना डाउनफॉल आ रहा था फिल्म इंडस्ट्री में, तो फिर वो वहाँ के लोग 7 बजे शुरू हो जाता था ड्रामा ये, और 9 बजे से पहले बंद, वो आते थे। शहबाज किरानवी साहब भी आए, बहुत से डायरेक्टर आए, वही भट्ट साहब भी आए, सूदी साहब भी आए, मुनीर साहब भी आए, फिर असलम परवेज साहब आए, लहरी साहब आए, एंड देन वो पीरियड था फैजन फैज, सूफी तबस्सुम साहब, नईम ताहिर साहब, ये लोग थे, ये बारी बारी आते गए। तो जितनी मुश्किलात थीं वो हमको बर्दाश्त करनी पड़ती थी, और फिर हमने जब उन्होंने सोचा, नईम ताहिर साहब ने, कि जगह छोटी है तो कुछ करते हैं, उन्होंने प्लास्टर के मॉडल सा बना दिया, वो आपने शायद देखा हो, मुनीर साहब, मंजर ममीन साहब ने, याद नहीं अब। उसके बाद हमारी यही दुआ होती थी कि पता नहीं जिंदगी में ये घड़ियाँ मिलती हैं नहीं मिलती। आहिस्ता आहिस्ता जब अनवर सज्जाद साहब आए एज ए चेयरमैन, तो हमारा एक ग्रुप था, वो सारे बैंकर थे, मैं था, कबीर खान थे, अनवर अली थे, सीएम मुनीर था, शकील था, ये बाद में फिर पंजाब काउंसिल चले गए, हमें भी ऑफर हुई लेकिन कहा हमने नहीं है। वो फिर हमने सारे लाहौर के जितने होटल थे ना, उनमें सामने पार्क होता, वहीं तंबू लगाना, वहीं शुरू। फिर कभी सड़क पर जगह मिल जाती थी और मैं तकरीर करता था, बड़ी बारी थी, अरे गुस्टैपो पुलिस भेज दो, हम गली गली अलहमरा बनाएंगे। और हमने भी करके दिखाया, हमने कोई जगह नहीं छोड़ी लाहौर की। फिर एक दफ़ा मौका मिला तो तरबेला से लेके जैकबाबाद तक, वो हमारा था, उसमें सबिया खान भी थी हमारे साथ, और भी लोग थे, तो बाकी यही था। एक उन्होंने बड़ी सी वैन मंगाई हुई थी, वो बीच में एसी भी था, हीटर भी था सब, वो फिर हमने दो दो शो किए सारे,
मतलब डिवीजनल लेवल पे हम कर रहे थे, कोई डिवीजन ऐसा नहीं है जहाँ हमने कोई ना कुछ होना किया हो। जैक बाबाद में उसका एंड हुआ था। उसके बाद फिर ये हुआ कि सन मुझे भूल गया, एक हनीफ रामे साहब थे, वज़ीर आला थे, पीपल पार्टी से ताल्लुक था उनका, एक जमील कुरैशी साहब थे और एक अनवर जाहल साहब थे, ये सारे सेक्रेटरी लेवल के लोग थे। तो एक दफ़ा हम ओपन एयर पे कर रहे थे ड्रामा, अब हाल एक था, वो ओपन एयर पे हमने क्या किया, कैसे करोगे कि सर हमने खुद ही वो बेलचे बूचे लेके वो ज़मीन जो थी ना खोद दी, उसकी जितनी मट्टी थी उसका हमने स्टेज बना दी। अब मसला ये शुरू हुआ कि अगर कोई चीज़ ना मिले आपको, ये हमें सवाल दिया ना इम्तियाज़ साहब ने, तो आप सेट कैसे लगाएंगे और लिख के लाएं, 3 दिन की मोहलत है। ले गए अपना अपना लिख के, उसमें से सबसे साथ जो अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, मैंने कहा जी लग जाएगा। कहते कैसे लगेगा, बांस तो हर जगह मिलता है ना आपको, हर शहर में मिलता है बांस, मिलता है चीखें मिल जाती हैं। अब वो एसी का तो ज़माना नहीं था, बाद में आया एसी यहाँ, तो उसमें फिर हम चीखें गाड़ते थे, उनके आगे पतला पतला जो कपड़ा होता है ना किसी रंग का किसी रंग का, तो बड़ा ऐसे ही लगता था दूर से कि ये सब वो सारा कुछ वही। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हनीफ रामे साहब, उन्होंने हमारा ड्रामा देखा। सन फिर बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे पास बुक मौजूद है 50 साल अलहमरा में कौन कौन से लोग थे, कैसे करते थे, क्या किया था उन्होंने, दैट इज़ ऑन रिकॉर्ड। कहेंगे तो मैं आपको पढ़ा भी दूँगा, दिखा भी दूँगा, अगर मुझे मिल गई वो किताब अभी। उन्होंने फिर जिसकी मूछें थी उसकी मूछें ना रहीं, औरतों के मेकअप गुजर गए, वो कोई अजीब सही बन गई ऐसा। वो ड्रामा तो फिर हमने छोड़ दिया। फिर जितने लोग थे, कुरैशी साहब, जमील कुरैशी साहब, अनवर जाहल साहब, बहुत अच्छे लोग थे, कमिश्नर उस वक्त चेयरमैन होता था। तो सर फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं आपको पैसे देता हूँ, ये तो बहुत बुरा हो रहा है आर्टिस्टों के साथ कि बारिश में हम ड्रामा ही नहीं कर सकते। फिर उन्होंने 9 करोड़ 90 लाख ऐसे करके हिंसे थे, सारे नौ के साथ थे, तो उन्होंने पैसे दिए। और फिर ये आपका हाल जो था, ये इसका सन भी याद नहीं है मुझे। और मुझे अल्लाह ताला 81 में ये शुरू हुआ था शायद, बुनियाद इसकी रखी गई। आई डोंट नो, मैं मुझे पक्का पता नहीं कि मैं आपको बता सकूं, क्योंकि मुझे सच बोलने की आदत है और मार खाने की भी आदत है और क्या कहते हैं हिजरत करने की भी आदत है। अल्लाह अकबर। हाँ, वो हिजरत ही होती है ना, एक दफ़ा बंदा बयान हो जाए दूसरी दफा चला जाए, हिजरत है हमारे लिए, रिस्क वहाँ वहाँ लिखा होता जबान चले जाते थे। देन ये पैसे मिले सर, फिर ये एजाज़ अल्लाह ताला ने दिया कि उसकी पहली स्पीच, ओपनिंग स्पीच, जिसमें ऑल दी MPs एंड हनीफ रामे खुद सब खुद बताते खुद वो देखने के लिए आए। इट वॉज़ ए, मुझे इसकी हिस्ट्री भी पता है, इट वॉज़ ए हिंदू की जगह थी, हिंदू एक मियाँ मेरी दोनों थे। तो जब माई पार्टीशन हुई है ना, उस वक्त उसके बाद उन्होंने कहा कि आप चूँकि फ़न के हैं, उसमें फैज़ अहमद फैज, इम्तियाज़ साहब, सूफ़ी तबस्सुम, ऐसे लोग थे वहाँ। तो उन्होंने फिर मिल मिला के ना एक ये अलहमरा बनाया, ये पहले सुर्ख पत्थर लगा होता था इस पर, अलहमरा आर्ट काउंसिल। हाँ, अब तो नक्शा बदल गया। फिर मुझे इतफाक हुआ, अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई, पहली बुनियाद उसमें सजदा दिया। और उसके बाद जो पहली स्पीच थी, नैनीताल साहब थे उस वक्त सेक्रेटरी, फैज साहब से उनको मिला था, क्या कहते हैं, चार्ज। तो मैंने कहा ये 700-750 सीट का हाल है सर, तो मैं कैसे बोलूँगा, मुझे माइक दे दें। 1.5 घंटे की स्पीच थी वो, कोई क्यों नहीं, को कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा नो, दिस इज़ ए सिन, यू आर ए थिएटर एक्टर, ये गुनाह है,
वेलकम सर, की तकरीर। अब उसमें से कोई भी बंदा होगा जिसको पता होगा कि हाँ, मैंने पहले तकरीर की थी, पहला सजदा भी किया था, क्योंकि हमारे ख्वाबों की ताबीर जो थी वो बाहर आने लगी, लोगों को पता करना पड़ा। और फिर ऐसे चलता रहा यह सिलसिला। और फिर हमने ये क्या किया कि एक ड्रामा था, पैसा बोलता है, उसमें एक सी सैमुअल था, एक एक्टर, मुन्ना लाहौरी को जानते होंगे, देखा होगा, उनकी उतनी हाइट थी और उतना ही उसका जिस्म था। उनको एक चलते प्ले में ना वो हार्ट अटैक हो गया। हम उठा के उन्हें गंगाराम ले गए। शो वाज द एंड, आखिरी सीन जो एक्ट था वो करके हमने भुगता दिया उसको। और फिर दूसरे दिन के लिए बड़ा ज़रूरी था, मैंने कहा मुन्ने यार इधर आ, वो चाय भाई पिलाता था हमें, आपको याद होगा। फिर बाद को अल्लाह ताला ने उसको भी बड़ा कुछ दिया। मैंने कहा यार तुम्हें इसका श्री सैमुअल का करैक्टर याद है? कहते याद है बाबा जी। और उसने वैसा ही किया, वो पता ही नहीं चला लोगों को कि ये वो ही है, वो ही है। फिर जब उनका सी एम मुनीर का कोई थर्ड था, उनको अटैक हुआ तो रक्षे में ही उन्होंने डेट दे दी। और इन द इवनिंग, रात को शो में उसकी बीवी और बेटा, उन्होंने कहा जी, पूछा हमने कि वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए, तो हमने कहा यार क्या करें, हमारे पास कफन दफन के पैसे नहीं। देन एन आइडिया केम इन टू माई माइंड, हमने कहा कि सुबह दूसरे दिन जाके मैंने कहा कि सारे आओ और एक घंटा पहले आओ, तो सारे आ गए। मैंने कहा यार एक काम करो, एक डेथ हो गई हमारे इस आर्टिस्ट की, तो कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए, उन्हें 2500 रुपया चाहिए, क्या कहते हैं इसको, 2500 ही कहते हैं ना जी, जी उसकी ज़रूरत है। तो हमने एक 16वां शो जारी किया। अब 16वें शो में वो हमें इजाज़त नहीं दे रहे थे, तो फिर मैं कमिश्नर साहब के ऐसे ही देखें, जब कोई अल्लाह ताला काम करता है तो किसी न किसी को भेज देता है आगे अच्छे काम के लिए। तो फरीदी साहब नाम था उनको, 7 फुट का कद, 8 फुट का, पठान थे। देन एन आइडिया केम इन टू माई माइंड सर, मैं कहा सर मुझे कुछ 10 मिनट दें आप, मुझे बड़े बोले। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे हुआ है, तो मैं 16वां शो जो है जारी करना चाहता हूँ, उसमें मेरा आर्टिस्ट कोई पैसे नहीं लेगा उस दिन के, और जो प्रोड्यूसर है वो पब्लिसिटी के पैसे नहीं लेगा ना काटेगा उसमें से, और जो अलहमरा है उसका किराया नहीं लेगा। दे एग्रीड, जो सारे कहने लगे कि ये बात बड़ी अच्छी है। फिर मैं चला गया उनके पास, वो फिर लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया, चलते शो में भी चलता रहा ये लड़ाई झगड़ा, शुरू हुआ वहाँ से शुरू हुआ। तो फिर हमारी कमीज़ें, हमारे कपड़े, हमें कसोनमुखी, फिर हम खुद लेते थे। वो क्या करते थे प्रोड्यूसर जो थे, पहले हम खुद ही चंदा इकट्ठा करके ड्रामे किया करते थे। उसमें मैं, कवि साहब, मैं मुस्लिम कमर्शियल बैंक, कवि साहब नेशनल एंड ग्रैंडेज बैंक, जमील फखरी आल्सो इन बैंक, रफ़ी मरहूम नन्ना ओवे बैंक, अली एजाज बैंक। तो फिर हम इनसे ना जाते थे तो हम कहते थे यार 50-50 रुपये दो ड्रामा करना, वो लेके हम शुरू कर देते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता होता क्या था, कुछ पैसे बचते थे, 2 रुपये टिकट थी, 1 रुपया 8 आने हमें एडवांस देते थे और 50 रुपये हमें मिलते थे, जो मैक्सिमम थे उस वक्त के। चलता रहा ये काम ऐसे, और फिर हम भी इसके साथ चलते रहे। और फिर क्या हुआ कि फिर ये हुआ कि जब अनवर सज्जाद साहब का ड्रामा आया, वो चेयरमैन बन के, तो उन्होंने हमें बाहर भेज दिया। वो एक सूफी पठान था, चौकीदार था, तो उसने हमें पहले बता दिया कि आज आपके साथ ये होना है। उससे पहले चाबी हमारे पास थी, हम अपनी जितनी फाइलें थी उठ के आ गए।
और देन जो वकील थे मेरे क्लास वाले कहने लगे हम कोर्ट तक जाएंगे। मैं कहने कोर्ट तक नहीं जाना, ये इतने ही मर जाएंगे। उन्होंने चाबी खोली, उतो कख भी नहीं लगा उन्होंने, और ऐसे ही चलते चलते फिर वो जो था हमें कहना पड़ा। मार खाई हमने, कपड़े हमारे उधड़े, गालियाँ खाई। फिर हम फिर मैं चला गया फरीदी साहब के साथ, ये कुछ तो करने नहीं देते। फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप ये काम करो, सोलह शो दो जैसे ये कहता है। और उसके बाद ये हुआ कि फिर हमने उन्होंने हमें बैन कर दिए। उसके बाद फिर वो ड्रामे चले नहीं वहाँ, बिल्कुल नहीं चले। एक ग्रुप होता है ना, एक टीम बन जाती है एक दूसरे को जानते जानते, तो फिर उन्होंने हमें बैन कर दिया। जब दो तीन हफ्ते नहीं चला फिर उन्होंने बंदे भेजना शुरू कर दिए, एम शरीफ साहब को भेजा और लोग भेजे। तो फिर एक दिन खुद भी आ गए, कहने लगे यार मैंने माफ़ कर दे, तो मैं गलत काम किया था। मैं तकरीर भी बड़ी तड़लेदार की थी, उस वक्त जज्बाती थे हम भी, पढ़ भी रहे थे ये भी कर रहे थे। जो इवनिंग क्लासेस थी ना उसमें हम जाके पढ़ लेते थे लॉ, और फिर शाम को हम वहाँ आ जाते थे। और जिस दिन हमें टाइम नहीं मिलता था उसमें हम कहते थे यार कोई ये आगे पीछे कर लो कोई रिहर्सल जो है, और 20 दिन की रिहर्सल करनी है और 20 दिन ड्रामा करना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता 15 दिन पे आ गया, 16 पे आ गया। फिर हमने कहा, मुझे कहने लगे क्या चाहते हो तुम, मैं कह सर ये आर्ट काउंसिल को कहें कि जितना ये होता है ना इनका सोलहवें शो के पैसे ऐसे नहीं काबू आएंगे ये, तो आप ऐसा करें कि एक इस पर फिक्स कर दें। अब 10,000 रुपया उस वक्त फिक्स हुआ, अब का मुझे पता नहीं, 5,000 सेकंड दूसरे हाल का हुआ। और फिर यही जो तरीका था ये कम्प्लेक्स में भी गया, वो बड़े पैसे इकट्ठे हो गए। फिर उनको फिर उनमें से ये करता था कि जो भी आता था ईडी ये वो, उसको कहता था कि सर ये हमने अपनी मदद आपके तहत बनाया। इवन ये सदर साहब को भी पहुंची ये बात, तो उन्होंने मेरी समरी में इसका नाम लिया दावा, ड्रामा आर्टिस्ट वेलफेयर सोसाइटी। तो वो अखबारों में छप गया। फिर ना वो रजिस्टर नहीं हो रही थी, तो जब अखबारों में छपा तो मुझे संतोष साहब ने बताया, अल्लाह उनको जवाहर रहमत में जगह दे, कहते यार तू की कम फड़ लिया, अखबारों में बड़ा कुछ आन लिया, सानू भी बना दे। फिर अनवर कमाल शाह साहब ने पूछा, वो भी ले गए मुझे। मैंने कहा जी मैंने पैसे में हाथ नहीं लगाना, मैं इनको पूरा आपको बना कर दे देता हूँ, भाई लाज भी जो कुछ मैंने करना है, जो कुछ आपने करना है, एवरी थिंग विल बी देयर। वो फिर मदर शाह साहब का थोड़ा सा कोई पता नहीं बीमार हो गए या कोई डाउनफॉल था उनका, आप यकीन करेंगे जब मैं कह के उठा वहाँ से मैं कर दिए। फिर जनाब उन्होंने एक शो किया मदर शाह के लिए ओपन एयर थिएटर में, तो ओपन एयर थिएटर में किया तो वहाँ देखें सारे इंडस्ट्री की हीरोइन हीरोज, थिएटर के हीरो पर आर्टिस्ट और रेडियो के, टेलीविजन अभी नहीं आया था, सारे मौजूद थे। और इतने थे कि मैं आपको बता नहीं सकता, मैं कहता तो 10 रुपये भी अगर लगाए ना एक बंदा, दीवारों पे बैठे हुए थे, अगर आपने वो ओपन एयर देखा हो तो सीढ़ियाँ थी उसी पे सारे बैठे हुए थे, कोई गद्दी रख के बैठा था। वो फिर पैसे में अगड़ दगड़ हो गई, उन्होंने कहा जी क्या कितने पैसे हुए, उन्होंने उनको 20,000 रुपये दिए, बाकी मुझे नहीं पता कि इतने बड़े अपना क्राउड में से इजमा में से आपको इतने पैसे मिले होंगे। वो पता नहीं खा पी गए होंगे, उनका वाला ना मालो ना वाला ना मालो कुम, तुम्हारे अमाल तुम्हारे साथ मेरे अमाल मेरे साथ। जब ये बन बना गया, जैसा मैंने पहले कहा है कि मुझे अल्लाह ताला ने ये तौफीक बख्शी और मैंने ऐसे सजदे भी किए वहाँ, तो जो हमारे सीनियर थे वो कहते थे वजू करके आओ, ये रिज़्क़े हलाल है। एक दूसरा वो क्या करते थे, एक सीनियर जो है राइट विंग पे एक लेफ्ट विंग के, दोनों जाते थे अगरबत्तियाँ सुलगा के आके फिर दुआ मांगते थे, या अल्लाह ताला हमें वजू के बाद
या अल्लाह ताला हमें सलूक इत्तफाक से ये ड्रामा करने की इजाज़त दे, क्योंकि लड़ाइयाँ भी हो जाती थी। किसी वक्त कोई कहता था कि यार मेरा इसने क्यों खा लिया है और मुझे क्लैप नहीं आई, वो फिर उससे बैठ के हम दो चार बंदे थे, चल यार माफ़ कर दे, आइंदा नहीं ऐसा होगा। दूसरे को कह देना यार इसको लेने दो क्लैप, क्योंकि आपका करेक्टर क्लैप वाला नहीं है, यू आर परफॉर्मिंग। तो फिर इस तरह भी चलता रहा सिलसिला। फिर जब बाहर के प्रोड्यूसर आए ना, उन्होंने देखा कि जो एक्साइज ड्यूटी है ड्रामे पे वो 25% है, 25% है या 20%, और जो गाने वहाँ चलते थे उसकी थी 65%। अब देखो बिजनेस माइंड लोग हैं, उन्होंने सोचा कि इसको आपस में मिक्स कर दिया जाए, नाम सिर्फ ड्रामे का रखा जाए, बाकी अल्लाह आपका भला करे डांस होगा। लड़ाइयाँ हुई, फिर हमें बरनी बाग में ऑफर हुई मरने की, मारने के गोलियाँ मारने की, कब्रें बनेंगी तुम्हारी। इस तरह से चलता रहा सिलसिला। आते हैं अच्छे काम करने के लिए, रुकावटें आती। मैं पिछले दिन अमजद साहब के पास बैठा हुआ था, तो मैंने कहा जुल्फी कोई लाइब्रेरी में कोई स्क्रिप्ट पढ़ा, तो स्क्रिप्ट था वो क्या था, एक सितम तेरे लिए, बानो आपा का लिखा हुआ था, शाक साहब की बीवी का, बड़ा अच्छा था। उसमें मेरा एक मेजर का रोल था। तो मैंने कहा जी मैं, मुझे तो चलना नहीं आता एज ए मेजर, पहले खुद कर रहे, तो चाइनी का एक तायफा आया तो वो उस तरफ लग गया, उन्होंने कहा तुम करो। दो दिन थे उसमें, उसको याद किया फिर। और वो फिर जनरल ज़िया साहब ने आके देखा वो प्ले, वो ही वॉज़ वेरी हैप्पी। मैं तस्वीर भी आपको दिखा सकता हूँ, ही वॉज़ वेरी हैप्पी। कहने लगा वुड यू लाइक टू जॉइन द आर्मी, मैंने कहा वाई नॉट सर, इट विल बी ऑनर फॉर मी। मुझे पता होता जानो अथुट मिला के ख़त्म, मामला ख़त्म हो गया, मैं कितने जाना सी आर्मी। हाँ मैं तो पहले बैंक छोड़ के आया था। इसकी मैं वो बोलता हूँ, तदबीर कुनद बंदा तकदीर कुनद खंदा। आदमी तदबीरें बनाता है, जब वो सन्ने बलूत को पहुँचता है, मैं डॉक्टर बनूँगा, मैं जी फौज में चला जाऊँगा, मैं पुलिस में चला जाऊँगा, मैं जहाज़ उड़ाऊँगा, मैं नेवी में चला जाऊँगा, सो मैनी अपनी अपनी सोच के साथ। लेकिन वो क्या कहते हैं, आदमी तदबीरें करता है, तदबीर कुनद बंदा, बंदा तदबीरें करता है, तकदीर कुनद खंदा, कि तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हारा रिस्क कहाँ लिखा है। अल्लाह पर बस ऐसे सिलसिला चलता रहा। फिर कामरान लाशारी साहब ने जब चेयरमैन होके आए, तो उन्होंने प्रोटोकॉल भी नहीं दिया, मैं वाहिद आदमी था जो आधा घंटा उनके पास बैठा, अस्सलाम वालेकुम करके चले गए, पता नहीं क्या बुराई थी या क्या था उनके लिए। उसके बाद उन्होंने कहा चले यार चलते हैं, वो अपनी तरफ चले गए, मैं अपने दफ्तर को आ गया। लेकिन दुख हुआ मुझे कि यार एक हस्ती, एक सेलिब्रिटीज वो आई हैं, तो इन्होंने कुछ पूछा ही नहीं है। बस ये जो लस्ट ऑफ मनी है ये नहीं छोड़ती, ये नहीं छोड़ती इंसान को। कुर्बानी एक आयत है, दूसरे सुपारे की है या मंजर साहब तीसरे सुपारे की, मेरा ख्याल है दूसरे की है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता युन्फिकून, है चौथा, चौथा लन तनालुल बिर्रा हत्ता युन्फिकून, के तुम उस वक्त तक फला नहीं पा सकते जब तक किसी अजीज तरीन शय की कुर्बानी ना दो। अपनी अपनी कुर्बानी से वो तो कर गए, वो पैगम्बर कर गए, हज़रत इब्राहिम कर गए, इस्माइल को ले गए था, फिर दुम्बा आ गया कि नहीं तेरी कुर्बानी कबूल है, ये आ गया था। और उसके बाद ये देख लें हज़रत ईसा का क्या किया इन्होंने, अब देखें हज़रत हुसैन के साथ क्या हुआ। ऐसे ही है बस, कामयाब वही होगा जो दूसरों के लिए कुर्बानी दे, कामयाब वही होगा जो दूसरों के लिए कुछ करे। एक और फारसी का मिसरा मुझे याद आया, कस्बे कमाल कुन के अजीज़े जहां शवी, कोई इतना बड़ा काम कर जाओ कि दोनों दोनों साइडों के, दुनिया में भी और आखिरत में भी तुम्हें सुकून मिल जाए, दोनों जहानों में खुशी खुल जाए। दुआ भी मांगते थे, दुआएं भी मांगते थे, नमाजें कम पढ़ते थे। वो मुझे एक शेर याद आ रहा है,
नमाज पढ़नी ते बिचों हुण जेहन च की है कि मैं चाबियां भुल आया उसे अपने मेज ते ओ कि जिहदे पैसे रखदे ने उहदी अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह अस्सलाम अलैकुम की होया ओ यार दौड़ी दौड़ी तेरी माँ नूं तेरी भैन नूं भजी 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 की होया जी ओए ओ मैं चाबियां भुल आया वो लै गया अल्लाह अकबर ये नमाज है तेरा इमाम बेहजूर तेरी नमाज बेसजूद ऐसे इमाम से गुजर ऐसी नमाज से गुजर अब दुख होता है वहाँ पर जाके फिर बच्चे आते थे कॉलेजों के कि हमने थीसिस लिखना है दो बंदे थे मैं था ये मनीर था वो एमए पॉलिटिक्स मैंने ला किया हुआ था वो आते थे कहते थे हमें कुछ बताएं फिर उनके सवाल होते थे उनको बताते थे फिर उनको नंबर शंबर मिलते होंगे ये जब हमारा पीरियड था फिर मैंने जब यहाँ से डाउनफॉल हुआ मेरा जो हमारे ग्रुप का हमें दुर्द तितर बितर हो गए तो फिर ना मैंने एक सोसाइटी बनाई क्या नाम था उसका मैं भूल गया हूँ अभी तक मेरे पास कागज़ हैं उसके उसमें बहुत से जो यूथ थी ना वो आगेशान उस स्टूडियो में मेरे पास कहने लगे जी आपने अपने लिए बड़ा कुछ कर दिया आपने टीवी भी कर लिया थिएटर भी कर लिया रेडियो भी कर लिया फिल्म भी कर रहे हैं आप तो मैं जहाँ जाता था ना डायरेक्शन देने के लिए तो मुझे कहते थे दूसरे लोग हमें नहीं बताते मैं कहते लमिया ने उनको इल्म ही इतना दिया है बस और कुछ नहीं फिर मेरे जहन में एक आइडिया केम इनटू माय माइंड कि मैं एक किताब लिखूं वो भी दिखाता हूँ अगर मिल जाती है वो मैं किताब लिखी व्हाट इज़ एक्टिंग हाउ टू डू डायरेक्शन व्हाट इज़ मूवमेंट और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे रेडियो पे ले गई बाजी यास्मीन नईम ताहिर की बीवी तो वो अभी कब कुछ पढ़ लेना उसमें से यूट्यूब में से कह रहा हूँ आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएगी इसको तीन चार मेरे इंटरव्यू हैं मेरी ज़िंदगी के व्हाट आई वाज और मुझे कहाँ तकदीर ने फेंका फिर बैंकों वाला भी वापस आया कहते जी वापस आ जाए आप वो पब्लिसिटी शुरू होगी ना तो फिर उन्होंने बंद कर दिया मैं मैंने अब नहीं आना आई वॉज रिज़ाइन मैं एग्जाइल पे भी गया मेरे वाले सब बड़े तजगुजार वालदा माँ 24 घंटे तलावत तो फिर पलटा खाया कि नहीं अब जाता हूँ जो कुछ कहता हूँ पूरा हो जाता है झूठ नहीं बोलता जितनी बातें की हैं दैट इज़ ऑन रिकॉर्ड अब इसके थोड़ा बहुत हसब हाल जो है ना वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि अब मेरे जहन में क्या आता है एक शेर है अब यहाँ बात होती है तन्हाई की एक उम्र जहाँ हमने अंजमन आराई की हम जहाँ भी जाता था एक और शेर पढ़ता था एंड में हमें खबर है कि हम चरागे आखिरी शब हैं हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है और यूथ वो उजाला तुम हो जहाँ से हम छोड़ के जा रहे हैं उससे आगे चलो नहीं मानी बात इन्होंने जाएं आपको अपने अमाल की मिलनी है मुझे मेरे में अमाल की मिलनी है फिर कुदरत ने एक ऐसा पलटा मारा कि मैंने दुनिया छोड़ दी एक फिल्म लग रही थी उसमें जमील अख्तर साहब डायरेक्टर थे और सुल्तान महमूद अशफता साहब आप जानते होंगे रेडियो पे थे उनके पास सितारों का इल्म था
जमील अख्तर साहब वैसे कोई पढ़ाई करते थे। अच्छा, उसका जो स्पॉन्सर था ना, डिस्ट्रीब्यूटर, उसने कहा यहाँ एक बाबा जी हैं मजदूब हैं, तो आइए उनके पास चलते हैं कि तुम्हारी फिल्म का क्या होगा। यानी हो चले गए। मैं कहा यार मुझे तो कुछ आता नहीं, कैसे जानना क्या आदाब होंगे। तो थोड़ी देर उसने सोचा, कि फिर मैंने देर में आया, मैं कहा अच्छा चलो मैं चलता हूँ, आप मेरे आगे आगे चलना, जो तुम करते जाओ मैं करता जाऊँगा। चले गए वहाँ बेगमपुरा में, उनका नाम है सैयद मंसूर अली शाह। ये भी वाक्य सुनाता हूँ शाह का भी, अगर मंदर अमीन साहब मुझे याद करा देंगे मैं कर दूँगा। चले गए, उन्होंने सबसे पूछा क्या नाम है, ये है जबीर अख्तर को भी पूछा, और भी एक दो बंदे होंगे, उनको कहा नहीं इस टाइम नहीं, इस टाइम पढ़ा करो, इस टाइम नहीं ये तुम ये करो वो करो, तो मुझे नहीं उन्होंने पूछा, ओवरलुक हो गया। मैं पानी पी लूँ थोड़ा। जी जी पी। ओवरलुक हो गया सर। ऑन माई वे बैक आई स्टार्टेड वीपिंग। तो मैं जब घर आया हूँ, सीढ़ियों में छोटा सा कमरा था, इससे भी चौथा हिस्सा होगा, जिसमें एक बेड और दो कुर्सियाँ बमुश्किल लगती थी, वो क्रॉस करने के लिए, कुर्सी में बैठने के लिए वो साइड करनी पड़ती थी। वहाँ बैठते रहे, वहाँ बहुत से लोग आए, मुनीर नियाजी साहब आते रहे, अल्लाह आपका भला करे, अयूब खान साहब आते रहे, सागर सदीकी साहब आते रहे मेरे पास। मुझे नहीं पता क्या कौन सी ऐसी हस्ती थी। दैन साइड मैंने क्या देखा, मैं रो रहा हूँ जमीन अख्तर साहब से, वो इधर रहते थे मुल्तान रोड पे, एक सैनमा था, अब मैं उसका नाम भूल गया हूँ, अब तो वहाँ बड़ी बड़ी चीज़ें बन गई हैं, तो वहाँ जाना होता था। उन्होंने रिक्शे में मुझे छोड़ जाते थे, मैं अपना ये चबुजी पार्क, उसने मेरे पास घर तक कराएगा, तो छोड़ गए। कुछ देर में देखता हूँ, मैं रो भी रहा हूँ, कि उसके साथ एक छोटी सी दीवार थी सीढ़ियों के साथ, ताकि कमरे का दरवाज़ा थोड़ा कवर हो जाए। तो मैंने बैठे देखा, मुझे रास्ते में पूछा जमील अख्तर साहब ने, रोक रहे हैं, मैं कहा सर यही पता नहीं है मुझे, लेकिन घर आके मुझे पता चला कि मैं तो ओवरलुक हुआ हूँ, शायद कोई मुझसे गलती हो गई हो। कितनी देर में मैंने इधर नज़र मारी तो वो खुद आके बैठे हुए। उन्होंने कहा क्या हुआ, मैं कहा सर ये हुआ, कम ऑन, चला गया। उस वक्त एक लड़का था वो बेचारा मुलाजिम, तो मैंने कहा रक्षा दा दो, उन्हें मिलिया कोई नहीं, मैं आप ही पैदल चल पे। चबुड़ जी के इर्द गिर्द एक दीवार थी छोटी सी, वहाँ जाके बैठ गया मैं। कहाँ जाना है, बेगमपुरा जाना है, नहीं नहीं जी नहीं ऐसे नहीं, इस वेले जाना। अच्छा, बैठा रहा, गुस्सा भी आया। फिर मैंने कहा पुत्र फिर सारी रात इतने बैठे रहना, और मैं चला गया उस जगह पर। जाते ही मैंने सलूट मारा, मैंने कहा मे आई कम इन सर, यस यू हैव बिन कॉल्ड बाय मी, नॉट बाय मी ओनली बट आल्सो बाय माय मुर्शिद, वो बाबा लाल शाह का मज़ार है मरी से आगे चौरासी शरीफ, बरहना बैठते थे दोनों। फिर एक टाइम आया कि उन्होंने मेरी कमीज भी फाड़ दी, और बहुत सी बातें होती थी मुझे। फिर वो कहते थे, नाम नहीं लेते थे, निक्कू नाम रखा हुआ था मेरा, उन्होंने बड़ी मोहब्बत की। फिर मेरे घर भी आ जाते थे, जगह बदल देता था, फिर उनको जा कहता था मैं अब जगह चला गया। हाँ, ये इस दुनिया से हट के बातें हैं, अभी जो काम करता हूँ उनसे पूछ के करता हूँ। और जब मैं बीए में था, मेरा एक क्लास फेलो था गुलामुद्दीन, गुलाम मुहिद्दीन, तो उसे गामी गामी कहते थे, वो इत्तफाक हुआ उसने मेरे घर के सामने अपना घर बना लिया। मैं कह यार कैसे तो कभी इकट्ठे बैठ जाते थे। तो उसने एक दिन, मैं जो यूनिवर्सिटी पुरानी उसके लॉन में बैठा हुआ था, और भी थे मेरे साथ लोग, तो वो मुझसे पूछते थे, मेरे पास इस्लामियात थी बीए में, एंड आई स्टूड फर्स्ट, पता नहीं मेरे वालदैन की दुआएं थी, वो भी बड़े इस्लामी थे, कुरान शरीफ पढ़ना है उन्होंने, और तहज्जुद पढ़नी है, नमाज़ें पढ़नी है पूरी,
हमने भी हाफ़िज़े कुरान से पढ़ा हुआ, लेकिन फिर दुनियादारी भी कोई चीज़ है ना, बंदा बहक जाता है बस। वो मैंने शेर सुना दिया आपको, तेरा इमाम बेहजूर तेरी नमाज बेसजूद, ऐसे इमाम से गुज़र ऐसी नमाज से गुज़र, कुछ नहीं है, अपने मन को सीधा कर लो, सच बोलो झूठ ना बोलो, किसी का हक मत मारो। अभी कुछ दिन हुए मेरे पास कुछ लोग आ गए, लड़के ही थे, यूथ से मेरे मुझे मोहब्बत है। कोई कह देगा आगे जी मेरे ताया ने शुरू में वो बूमते खिलौते सन साउंड रिकॉर्ड की थी, कोई मेकअप वाला आ जाएगा कोई, फिर मैं ना नहीं करता, मैं कहता हूँ कि ये अब मुझे उनका हवाला देता हूँ, मुझे याद भी नहीं होता कितने क्या क्या याद रखूँ, किस किस को भूल जाऊँ। तो फिर मैं कहता था अच्छा यार जो तुमने देना दे देना, कोई नहीं फर्क पड़ता, रिस्क उसके पास है, पैसे भी उसके पास है, हम क्यों मांगे। तू ही नादा चंद कलियों पर कनात कर गया, वरना गुलशन में इलाज तंग ये दामा भी है, पिछला तो तकसीम कर लो, मुस्तहिक लोगों को दो। ऐसा सिलसिला चलता रहा, फिर अब वही है कि थिएटर जो है वो मर जाएगा, अब मर जाएगा, मरेगा कैसे, अब कोरोना आ गया, अब इन्होंने पहली दफ़ा उसको बंद करके, जब थोड़ा सा वक्फा बीच में मिला था, इन्होंने रौला डाल दिया जी बहुत से लोगों ने कि हमें जानते ही नहीं, वो हमें भी पैसे दे, हमारा तो रोज़गार ख़त्म हो गया, कोई कुछ कोई कुछ, जितनी मेरी सलाहियत थी उतनों को तो दिलवा दिए पैसे, किसी को 10,000 किसी को 15,000 किसी को 20,000। एक और आया था रियास नाम था, उसका 3 बच्चियाँ थी, बेटा नहीं था उसका, तो उस घर की छत गिर गई, उसका बाजू भी कट गया थोड़ा सा, उसके पीछे फिर मैंने कहा जाओ फलां आदमी के पास चले जाओ लाओ, क्योंकि आई वॉज दी पाइनियर, मैं उसमें था, मैंने ही बनाई थी अपनी मदद आपके तहत, वो 2 रुपये 2-2 रुपये हम हर ड्रामे के पीछे हर आर्टिस्ट के काट लेते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और सब ने इंजॉय कर दिया। अब भी वो चालू है, और फिर कुछ ऐसे भी लोग आए जिन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा यार थिएटर इज समथिंग एल्स, फिल्म इज समथिंग एल्स, वो जी फिल्म में तो डांस होता है ना, अब मैं इस हिस्से में हूँ, इस चपकलश कह रहे हैं या मुबतला हूँ इसमें, करूँ ना करूँ ना करूँ करूँ, बस ऐसे ही ख्वाब देखता रहता हूँ। फिर मैं कहता हूँ यार अल्लाह का रिस्क, उन्होंने इन डांसरों के नाम लिखा था, मौज करें, मैं कौन होता हूँ इनका रिस्क बंद करने वाला। फिर उन्होंने कहा जी फिल्म इंडस्ट्री में डांस होता है तो थिएटर में क्यों नहीं हो सकता। मसला ये है हकीकत में दिस इज़ एटोनमस बॉडी, ये खुद मुख्तार बॉडी है, ये जो चाहें अपने बाईलाज बना लेते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन किसी को नहीं देते। आप नेट पे चले जाएँ तब भी नहीं मिलेंगे आपको। तो फिर जो कुछ भी हुआ, फिर एक AD साहब आए, उन्होंने 1.5 लाख ले के लोगों को जवानों को भर्तियाँ दी। फिर मेरे जहन में ये भी आया कि मैं आई मस्ट गो टू डैप, उनके भी मैं एक दो इवेंट किए हुए थे, तो मेरे वाकफ थे थोड़े बहुत काफ़ी, फिर बाद में भी आते रहे। फिर इधर ये वार्डन होते हैं क्या, जो सड़कों पे खड़े होते हैं जी वार्डन, हाँ, उनमें से फिर मैं दफ़ा पता नहीं क्या लाइसेंस लेने गया था, तो उसमें एक अमीन जैसी उन्होंने दाढ़ी रखी हुई, तो कहने लगे मैं सर टेलीफोन आया मुझे, मेरा बन गया वो, कहना मैं आपके साथ कुछ देर बैठना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं क्या लेना आपने, कहने लगे जी बातें आपकी जो है ना बड़ी अच्छी लगती, वो खुद नमाजी था, लगता था मौलाना कोई फराज नाम था उसका सरफराज। फिर वो वहाँ ले जाता रहा मुझे वार्डनों के पास, उनके साथ घुल मिल के ये पूछना कि आपका कोई मसला है, ये है वो है, तो फिर हल अल्लाह दे देता है ना। पिछले दिनों बात हुई थी कोई अमजद साहब का एक प्ले था, वो मैं भी उनको कह गया है, मैं कह जी रजिस्टर में दर्ज है, स्क्रिप्ट नहीं है, वो स्क्रिप्ट लाइब्रेरी वाला खा गया, अल्लाह चाहे माफ़ करे उनको, चले गए वो। फिर बड़ा कुछ हुआ वो, बस इतना ही कुछ हो सकता था, होना चाहिए था, हर कमाल रज़ा वाले जिसको अल्लाह ताला अरूज देता है
उसको जवाल भी देता है जो कमाल पे पहुँचता है। इनको इनको सिर्फ पैसा याद है, इनको सिर्फ पैसा याद है, चाहे माँ और बाप बाप इनका कहाँ गया वो, इनका इनका अखलाक कि इनकी खिदमत करो, हदीस नबी है इनके साथ ऊँचा मत बोलो, नहीं। और फिर ये भी कहा मैंने कहा माँ के कदमों में जन्नत है और बाप उस जन्नत का दरवाज़ा है। बाप का काम क्या है? कफालत। माँ का नाम क्या है? तरबियत। समझाता रहा इनको लेकिन नहीं, जूँ जूँ फिर कौमें बदलती हैं ना, उनकी नई सोच होती है। हमने एक दूनी दूनी दो दूनी चार पढ़ा हुआ है, आज के बच्चे देखें उन्होंने जेब में जीन में मोबाइल रखा होता, फौरन नेट पे जाएंगे और पूछ लेंगे उसको कि सवाल का क्या जवाब है और आपको सही मिल जाएगा बस। और जो सर्टिफिकेट या क्या कहते हैं उसको, सर्टिफिकेट क्या कहते हैं, सनदें मिली थी वो भी उन्होंने पैसे ला के बनाई हुई थी, कुछ नहीं था कुछ उसमें, कुछ ला के दिखाओ, कुछ तो ला के दिखाओ। बस इस तरह लाइफ गुजर गई, अब भी परवाह नहीं है। मैं इनको आते ही कह रहा था, मंदिर था, मैं दुनिया के ना जिन्होंने 10-10 साल मेरे साथ की है काम किया है मेरे साथ, मैं उनके नाम भूल गया था, कबीर साहब आए, मनीर साहब आए, जो भी आता था, एक लान था उसमें मैंने मच का हुक्म हुआ मुझे 7 ईयर्स मच जलाया, नादेली पूरी नहीं हो रही थी, किताबों में कड़ों में ये लिखा है या इली बस 3 दफ़ा या इली ख़त्म नहीं। फिर मैं मुल्तान चला गया, वहाँ एक उनका नाम सुल्तान पता नहीं क्या था उनका, 7वें सुल्तान इससे पुकारते थे, 20-25 घर होंगे कच्ची मट्टी के, रेल के फाटक था वहाँ, तो एक पुरानी हवेली थी वहाँ शूटिंग कर रहे थे। तो वो मैं जब फारिग होता था ना मुझे कहते थे आप बैठ जाएँ, तो मैं वहाँ चला जाता मज़ार पे, मैं कहता सर मैं मज़ार पे हूँ, इतना ही था जितना ये चौक आप बड़े होंगे कोई 15-20 कदम, कोई ना कोई लड़का आवाज़ दे तो मैं चला जाता था वहाँ। फिर मुझे एक बुज़ुर्ग ने बताया, उनके साथ में बैठ के चाय बड़ी पीता था, सिगरेट बड़े पीता था, 20 बंदे भी आ जाएंगे तो चाय क्या कहेगी, रुपया ठहनी का प्याला सी प्याली। तो उसमें फिर आगे उन्होंने बताई, तीसरा जब या इली आता है उसके आगे है या इली इज़रिकनी फ़ी सबीलिल्लाह बहक़ फ़ातिमा तो ज़ाहरा सैयदा ताहरा, फिर कंप्लीट होती है तुम्हें तुम्हारी माँ का वास्ता अली, आओ मेरी मदद करो। जब फिर वो उनके बिस्तर पे आके सोए हज़रत अली अलैहिस्सलाम, बस ऐसी बातें। अब दिल नहीं करता कहीं जाने को भी, किसी को बुलाने को भी, वक्त गुजर रहा है, अच्छा गुजर रहा है। बहुत से लोग थे जिन्होंने आड़ भी आगे नहीं की। फिर हमें ये भी एक इल्ज़ाम मिला कि सर इतने यूनिवर्सिटी या कॉलेज ना खोलो, हमारा ये बिजनेस है। तो जब हम उनको अच्छी बात बताते थे वो कहते जी नहीं, अमान अल्लाह जो कुछ कर रहे हो, फलाना जो कुछ कर रहे हो ठीक कर दें, उन्होंने करम दो। वो जो नहीं किया हमने तो उन्होंने कहा जी नहीं, आइंदा आप ड्रामा डायरेक्ट भी नहीं करेंगे ना एक्ट करेंगे। वस्सलातु वस्सलामु अलैकुम, कुछ भी नहीं है ये दुनिया, क्या है कुछ नहीं है। अभी एक दो शेर सुनाता हूँ आपको, उम्मीदों के चराग हम जलाते रहते हैं, मुश्किलें कठिन सही हम मुस्कराते रहते हैं, वो जो छोड़ के चले गए मुझे अकेला, उनके लिए दुआए मग़फ़रत हम कराते रहते हैं। दोस्तों हमारे सब्र व तहम्मल का इम्तहान न लो, हम अपने ही लहू से नहाते रहते हैं, लगा के दो फूल कांधे पे लगा के कांधों पे दो फूल गुलाब के, कभी अर्श पर कभी फर्श पर आते जाते रहते हैं। ये दो फूल मैंने किस लिए कहा कि आपको भी थोड़ा सा इल्म मिल जाए। एक वाहिद गुलाब का फूल है जो खुशी गमी में बराबर का शरीक है। आपका टाइम पूरा हो गया कि नहीं? नहीं आप कंटिन्यू रहें। अच्छा कुछ और सवाल भी कर देना बीच में। मैं सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि ये जो हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी है
पाकिस्तान में जैसे पहले भी आपसे बात हुई कि सबके लिए कलोनियाँ बनी, तो क्या आर्टिस्ट इस पाकिस्तान में इस चीज़ के हकदार नहीं थे कि इनके लिए भी कोई कलोनी एक रहायशी? वो जिस वक्त में वो हकदार थे, देखें ड्रामा हो फिल्म हो, इसका कोई ना कोई पीछे मैसेज छोड़ के जाते हैं हम। वो ड्रामा ही नहीं है जिसमें आने वाली यूथ के लिए हिदायत ना हो, ये यूनान से शुरू हुआ था और ज़राए अबलाग में से ये तबलीग के लिए शुरू हुआ था कि दो फरिश्ते हैं, वो एक इस कांधे पे एक नेकी का है, एक इस कांधे पे वो बदी का है। अब जो रब सारी चीज़ों को जानता है, नीयतों को जानता है, उसे क्या ज़रूरत है हमारे पास फरिश्ते भेजने की? यार अपने आप को सीधा करो, रब भी रब करो, अल्लाह अल्लाह करो, एक काम और करो, वजू रखो, हमेशा हमेशा वजू रखो, चलते फिरते रहो, जो आपके दिन में आता पढ़ते रहो, ख़त्म हुई बात। बस ये ज़िंदगी है, जाना सबने है, नबियों ने चले गए, वली चले गए, सब चले गए। कुछ लोग अच्छे काम कर गए, वो आने वाली नस्लों ने, उन्होंने कहा जी तुसी ते गैसां दे वेले दे एक्टर हो, तो तुसी सानू की समझान चले। अब इसका क्या जवाब दें हम? लाइल्म लोग थे, चले गए। अब उनकी बारी आई हुई है ना, अब चीख रहे हैं खड़े होकर। मैं नहीं बोला, मुझे एक दो मैसेज भी आया ऐसा, ज़रा हमारे साथ भी चले। मैं कह नहीं, मेरा मन इजाज़त नहीं देता मुझे। मैं बात कर रहा था कमर्शियल की, एक बच्चे थे वो आए मेरे पास पहली दफ़ा ना, उनका मालिक भी साथ आया मेरे पास, तो मैंने उनसे मांगा मुझे 50,000 दे दे। वो कोई क्या कहते हैं उसको, जिसमें बहुत से घर बनते हैं, ठीक है, सोसाइटी वो बननी थी बाहर के ममालिक में। सब तस्वीरें भी ली उन्होंने, वो लग ली, और उसको सोसाइटी का नाम भी दिया हमने। वो फिर वो उसके लिए बना रहे थे कि एक कमर्शियल थी, तो उन्होंने कहा जी नहीं, हम 40,000 रुपया देंगे आपको। मैंने कहा यार मैंने तो पहले ही तुम्हें कम बताया, मुझे तो लोग बड़े बड़े पैसे दे जाते हैं, लेकिन चलो तुम यूथ हो, 40 भी ना देना तो अब 30 दे देना, अब 30 पे डन हो गई। दूसरी दफ़ा मैं गया तो कहने लगे जी आपकी सिर्फ फ़ोटो होनी है, एक पोती आपकी ये है। उन्होंने मुझे काफ़ी देर बिठाए रखा, गुस्सा ही बड़ा आया। फिर मैंने कहा मैं वादा कर चुका हूँ, ला तुकले फुल म्याद, जो वादा किया है वो पूरा करो, अल्लाह ताला को वादा खिलाफ ही पसंद नहीं है। तो उन्होंने मुझे 10,000 दे दिए। अब फिर आए, फिर कहने लगे जी वो ये है हमारे पास 10,000 है, वेले बैठे हैं यहाँ सारे। मैं कह जी तुसी बैठे रहो, मैं अभी आप भी वेला ही बैठा है, जाओ। नहीं बाज आए, उन्होंने फिर कहा कि जी किसी खातून से मुझे कहलवाया कि 26 तारीख है, वो 26 का मुझे कह गए थे। तो मैंने कहा नहीं मैंने नहीं करनी। कहता जी क्यों? मैं कह जी आपने एक हक मारा है, मुझे पता है आप कैसे बनाते हैं कमर्शियल, जो आप भेजते हैं ना पहले वो बना के समरी सी या बायोडाटा या कुछ इस किस्म का भेजते हैं ना, ये पर इतने पैसे लगेंगे, उसमें से भी आप कटौती करते हैं। आई नो। तो जब कोई नाम ले लेता है, अब ये सिस्टम शुरू हो गया, कोई आएगा वो कहेगा जी इन्ने पैसे तुम दवा देंगे, बीचों 5 मेरे, वो दे दो कि जी मैंने आपकी फ़ोटो भी दी है, मैंने आपका नाम भी लिया है और आपका बायोडाटा भी बताया। इस किस्म की बातें होती, चलो लेना ले जाओ, हमारा क्या है, वो जहाँ से आया वहाँ चला जाएगा। अब उसने, मैंने कहा तुमने मेरा हक मारा है, और ये एक जुमला मेरा याद कर लो, जो लोग दिल से उतर जाते हैं वो सामने भी खड़े हों तो नज़र नहीं आते, जाएँ। थैंक यू वेरी मच। मैंने करनी ही नहीं, नहीं की, बस। और कोई पूछना चाहें आप? ठीक है, मैं यही पूछना चाह रहा था कि साढ़े इतने आर्टिस्टों वास्ते क्यों कोई ऐसी सर मेरी ये जब चौधरी नज़ीर साहब थे, नया नया बन रहा था अलहमरा, उस वक्त मेरी एक जेन में था कि इनके लिए कम्युनिटी बननी है, लेकिन बैड लक कह लें या खुदा को मंजूर नहीं था। उन्होंने मुझे एक ब्रिगेडियर के पास भेज दिया, तो वो सारे पेपर शेपर सब कुछ हो गए,
तो जब मैं तीसरी दफ़ा जाने लगा, दो दफ़ा हुआ है था उनसे, उनने कहा होगा पेपर आप फलां दिन आ जाएँ, उससे पहले चौधरी नज़ीर साहब की डेथ हो गई और वो ब्रिगेडियर साहब भी वहाँ से ट्रांसफ़र कर गए। फिर मैं जाने को जी ही नहीं चाहता, मैं फिर रीस्टार्ट करूँगा पैसा कर, तो कैसा आदमी, कुछ अच्छे आदमी होते हैं अच्छी बातें सुन के कहते हैं कि याद ज़रूर होना चाहिए। ये जैसे मैंने कहा कि हनीफ रामले साहब ने पैसे दिए इसके, अब ये एड भी लेते हैं अलमरा से, वफाक से भी, और जो किराया है वो भी लेते हैं, और जो आर्टिस्ट फंड का किराया है उसमें से भी कपला बच जाता है। आपको पैसे देते हैं वो कि इसमें अच्छे ड्रामे करो, अब ड्रामे वाले ही नहीं रहे, पहले बहुत से लोग थे जो ड्रामे करते थे, उससे पहले भी जो लोग थे, हमें कुछ नहीं मिलता था तो वो चले जाते थे अमेरिकन लाइब्रेरी में, उसका इंग्लिश को अपने कल्चर में जमा करके ढाल के उसके वो ड्रामा शुरू कर देते थे। फिर एक ड्रामा चला पैसा बोलता है, वो बड़ा मशहूर हुआ, तो मेरा ख्याल हर जगह उसकी फिल्म भी बनी, उसमें मेरा जो था ना एक नौकर का रोल था, बहुत अच्छा हो गया अल्लाह ने कर दिया, तो भला ज़माना था। फिर वो भी हर जगह किया हमने, और कोई 100 से ऊपर कर दिए होंगी परफॉर्मेंसेस, पीपल आर हैप्पी, लोग बड़े खुश होते थे, उसमें मैसेज भी था, मार भी पड़ती थी नौकर को, तो कोई बुरी बात नहीं थी, जहाँ होती थी वो काटते थे। फिर वो वक्त भी आया कि होम गवर्नमेंट ने कहा जो सेंसर करने आते थे कि जो मेरा नाम सुनते थे, कवि साहब का सुनते थे, एक तीसरा चौथा उमर रशीद था, रशीद उमर थानवी साहब का बेटा था, तो उन कहते थे अगर तीनों ने डायरेक्ट किया तो हमें देखने की ज़रूरत नहीं, जाओ, हम खुद ही काट देते थे, हम खुद ही अगर कोई गलती करता था तो कहते यार ना करना, खुदा का वास्ता है, जो आपका करेक्टर है वो करें। बस कम्यूनिटी इस बदकिस्मती हुई मेरी भी सबकी भी, लेकिन मैंने अपने तौर पे ज़रूर कोशिश की, लेकिन अब भी मेरी नीयत है, मैं जितने आपके नए मिनिस्टर आए हैं, समाम साहब आए हैं, चौहान साहब हैं, फवाद हुसैन चौहान, उनको भी मैंने कहा, मुझे एक मीटिंग में बुला लिया, बड़े सब अपने अपने आप ही बोलते, मैं कहा सर माई नेम इज़ मसूद अख्तर, मेरा एक ही सवाल है आपके साथ, वो मैंने वो उसकी सोसाइटी की करवा दी, कहते वो वक्त लगेगा, खैर चलो वक्त लगेगा, इनके नसीब में होगा, इनको मिल जाएगा, नहीं है तो फिर अल्लाह जाने मौला जाने। मैंने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश की ना, और इज्तमाही कोशिश की, अपने आप के लिए नहीं, मुझे लोग ताने देते थे तुम्हें अवार्ड नहीं मिला, मैंने कहा यार ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जब मिलना होगा मिल जाएगा, लोगों के कहते तुम पेपर लेके चले जाते, इसको भी दे दें इसको भी दे दें, एंड देन टाइम केम कि मैंने कहा मैं अपने जा के तारीफ खुद करूँ, नो नॉट एट ऑल, आई एम नॉट अमंग दैट, मेरे नसीब में होगा मुझे मिल जाएगा, लेफ्ट दैट, बड़ा कुछ हुआ सर। सर की ड्रामे का की फ्यूचर है, ड्रामा वापस आ जाएगा? ड्रामा दफन होगा, ड्रामा दफन होगा सर, कफन तो पहन लिया उन्होंने, अब दफन भी करने की बारी है उनकी, नहीं चलेगा जब तक ये पुराने ड्रामे नहीं लाएंगे, जब तक ये इस वक्त को पहले नहीं ले जाएंगे। जब ड्रामा आपका 10-11 बजे शुरू हो, रात के 2 बजे बंद हो, तो मैंने उन दिनों भी एक दो डायरेक्शन की, लेकिन जो फैमिली थी ना वो इनसे छिन गई। अब मैंने उनसे सवाल किया कि यार तुम इतना क्यों लंबा करते हो, उसमें बहुत से लोगों को अरेस्ट भी किया इन्होंने, पुलिस वाला ने, वो सुबह सवेरे फिर छोड़ देते थे और क्या करते बेचारे, तो कहने लगे जी वो जो दुकानें हैं ताजर हैं वो बाद में आते हैं, उसमें डांस शुरू हो गया था ना, तो फैमिली का ये गिला था कि ना हम अपने बच्चों को होमवर्क करवा सकते हैं, ना हम अपने शौहर को नाश्ता करा के उसे टाइम पे उसकी ड्यूटी पे भेज सकते हैं, तो ये हमारी प्रॉब्लम है। उन्होंने 7 बजे शुरू होता था, 9 बजे जाओ आप, और 9:30 अपने अपने घरों में होते थे, इतनी ट्रैफिक भी नहीं थी, अब तो आबादी ज़्यादा होगी, और फिर जो आबादी ज़्यादा हो गई
ये फैलता रहा कोरोना की तरह, कभी है कभी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या है, वो एक मज़ा लेने आते हैं। और फिर अब जो लास्ट टाइम मुझे पता चला कि अब जो डांसर्स हैं वो, उनको प्रोड्यूसर कहते हैं आज तू 10 बंदे ले आने ने 2-2 हज़ार वाली टिकटा लवा टिकटा से जी जी तो बाद जाएंगे तुम जी जी वो बिल्कुल 10-15-20 सीटा चल रही हैं चल रही हैं जी जी वो कन्फर्म। ये क्या है, आप जोरामारी कर रहे हैं आर्टिस्टों की। फिर ये भी हुआ कि जो आपको बुक करता था वो भी बीच में आगे बेचता था टीम को, आज फलां तू ले जाओ, उतर ले जाओ, फैसलाबाद ले जाओ, उसमें भी जाहिर है वो अपने पैसे कमाते होंगे। लेकिन ये जो सिलसिला था ये बड़े शुरू से ही ये फॉरेन जो है ना आपके एजेंसियां बनी हुई, वो फिल्म के लिए भी थिएटर के लिए भी, जिस किसी के लिए किसी की ज़रूरत होती हो कहते कितनी उम्र का जी, इतनी उम्र का लड़की, कितनी उम्र की, इतनी उम्र की, फिर फ़ोटो भेजते हैं, फिर जो उनकी एजेंसी होती है या दफ्तर होता है उसमें से 25% 10% 5% वो काटते हैं। फिर उनकी जिम्मेदारी होगी, पैसे आपने ले कर देने हैं बाकी। वो ऐसे भी सिलसिला चलता रहा, वही सिलसिला इधर आ गया। अब क्या नाम लें किसी का, छोड़ो परे। और पूछ लें सर, इंशाल्लाह बफजले खुदा असी चाहवांगे कि ड्रामे ते पहले भी असी काफ़ी आवाज़ चुक चुके हैं और इंशाल्लाह असी ये आवाज़ चाहते रहेंगे। साडा जो फर्ज है असी अदा करांगे। असी चाहते हैं ड्रामा रिवर्स आ जाए। अज चूंकि अल हमरा दा ते दूसरे थिएटरां दा कोई फर्क नहीं रह गया, नहीं फर्क रह गया। ठीक है जी, कोई मैं तो चाह रहा हूँ, मैंने कहा दूसरे लोगों को भी एहतजाज करना चाहिए कि जो काम अल मरर कर रहा है आप इधर कराएं। 17 तो पंजाब काउंसिल की हैं, वो भी हमारे होते बनी जब हम जब हमें क्या किया गया, भेज दिया हमें कि जाओ। फिर वो हमने जगह जगह ड्रामे किए, मैं पहले कह चुका हूँ आपको, जगह जगह ड्रामे किए। अब वो सिलसिला नहीं है, अब वो सिलसिला नहीं है। आप कितना कोई चार्ज कर लेंगे, क्यों ये रीत डाली, ये अल्लाह सलामत रखे अपना क्या प्रवेश साहब को, प्रवेश साहब राइटर थे, एक बड़ी दोस्ती थी उनसे ऊपर के मिनिस्टरों के साथ, और शायर भी थे। सागर सदीकी के शेर लेने उन्होंने को 20 रुपया देना, जाके 500 का फिल्म में भेज देना, है ना, सारा कुछ चलता रहा। देन इन हाई कोर्ट एक ये चले गए कि जी देर वर बेंच कंसिस्टेड ऑन 5 जजेस। तो उन्होंने पहले दिन कहा चलो जी आप 3 ड्रामे कर लें, तो 3 ड्रामे हो गए। पहले दिन नोटिस हो गया नो ड्रामा, दूसरे दिन उन्होंने पता नहीं क्या 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 दरूद पढ़ा है या क्या कुछ किया, तीसरे दिन उन्होंने कहा नहीं जी 5 ड्रामे होंगे। अब 5 की बजाय फिर मैं आता हूँ स्टेज की तरफ, फिर जो स्टेज मैनेजर थे उनको भी थब्बू वो दे देते थे यार 2 और कर लेने, चलो जी रात को कौन 12 बजे आपको चेक करेगा, नो नॉट एट ऑल। जब तक ये आर्टिस्ट अपना आप सही नहीं करेंगे उतनी देर तक इनको फैमिली नहीं मिलेगी, आई एम सॉरी टू से लाइक दैट। अब वही जो कारीगर आदमी है जो सिर्फ कॉमेडी करते हैं, कॉमेडी हमने भी की, मैंने भी की, कभी साहब ने भी की, लेकिन परफॉर्मेंस भी तो करो ना, उस हद से क्यों बाहर जा रहे हो। अब इनको चाहिए कि पहले जब हम जाते थे हम उनसे पूछते थे सर मेरा करेक्टर कैसा है, शरीफ आदमी का है, बदमाश का है, कपड़े कैसे पहनने हैं, किस कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है और क्या लैंग्वेज है उसकी, अगर उसमें है क्या कहते हैं ये जो मुल्तान में बोली जाती है सराय की, इसमें है तो उस तरह की लैंग्वेज बनाओ ना। अगर आपको नहीं आता किसी सरायकी वाले को ले आओ, उसे कहो आप अपने हाथ से लिख लें, जैसे क्या होती है अंग्रेज़ी, औरंगज़ेब को और ख़याम सरदी को उर्दू नहीं पढ़नी आती थी, मैं अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़े थे इसलिए उनको हम फिर वो उसमें लिख के देते थे अंग्रेज़ी रोमन उर्दू वो लिख के देते, याद हो जाता था। तो वो बताने वाला भी कोई नहीं ना,
हर कोई तो ये है कि इन्हें जुगत की इनकलैब आ गई, मैं हूँ दूर उत्ते करा, चाहे माँ बाप की बिजती हो, चाहे देखने वाले शर्मिंदा हो, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये एक जवाल है जो उस पर आया है और इट विल टेक टाइम, नॉट ओनली थिएटर बट इट विल बी ए फिल्म आल्सो। फिल्म में भी वो लोग नहीं रहे, एक आपकी तरह उन्होंने कैमरा लिया हुआ है, एक बस चलते रहते हैं, और सोशल मीडिया में देखते होंगे आप। तो वो जो हमारा टाइम था, भयक वक्त, हमने फिल्म भी करनी है, हमने थिएटर भी करना है, हमने ड्रामा भी करना है। जो जगह खाली होती थी फिर हम जाके रेडियो पे कह देते थे सर आज का दिन, कल मेरी कोई कहीं भी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, लाइव प्रोग्राम था। अल्लाह जाने वो कौन सी मखलूक थी, रब भी रब, वो जाने किस तरह हमारे जहनों में वो डाल देता था। और लोग पूछते थे कि यार ये एक ही दिन में आप ये कैसे गुजर जाते, कहते थे कोई नहीं पता, उसको पूछो जो हमारे जहनों को सीधे रास्ते पर ले जा रहा है। अब भी दुआ करता हूँ अल्लाहुम्मा सब्बिकत कदमी अला सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पे मेरे मुझे चला, ताकि मैं इन्हें कह भी सकूँ। आप एक इंसान है, आप उसको गालियाँ नहीं दे रहे हैं, मार भी रहे हैं, भाई व्हाट हैपनिंग है, क्या है ये, क़यामत सुग्रा आई हुई है ना, ये टाइम लेगी। गए सब जी जी, सैलाब आ गए, बारिशें हो गई हो गई जी, और कोरोना भेज दिया उन्होंने, आओ अब भी अपने आमाल जो है सीधे कर लो, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन नहीं, अपनी आई पे हैं, अकड़े कुल समझते हैं। अब पहले मैं कह दिया ना, हमें तो अब कहते हैं वो गैसों के टाइम के एक्टर थे, आप जाएं, अब लाएं स्क्रिप्ट, कौन लाएगा, कोई भी नहीं लाएगा। अब नए लोग पैदा करने पड़ेंगे, और उसके लिए देखें आप 12-15 साल तो लगा लेना सने बलूग के, बलूगियत जब बालक होते हैं आप, जी जी। उसके बाद कोई ना कोई उस्ताद आपको चाहिए, अब वो उस्ताद ही नहीं रहे जो आपको लिखने का बताए कि कैसे लिखना है, इसमें क्या क्या चीज़ चाहिए, स्क्रिप्ट के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, जी जी। कहानी तो मिल जाती है, तो फिर आप डायलॉग कैसे लिखेंगे, ऐसे हैं। और अब कई ड्रामे ऐसे थे जिसमें हम थिएटर पर खड़े होकर रो रहे होते थे, और जो आवाम हमारे साथ रोती थी, कई ऐसे हैं जो कॉमेडी थी, कई मच भी हैं, लेकिन उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि ये लोगों को दिल दुखा सके। एक आपको पहले बताया मैंने, फैमिली क्यों चलेगी, फैमिली भी नहीं आएगी। अब क्या है, इन्होंने खोल के देख लिया ना बीच का हिस्सा जी जी, अपने बीच में खोला है, 20 से 25 आदमी आए ही नहीं, इससे ज़्यादा आदमी आए ही नहीं। वो जो ताजर थे उनकी तो अपनी लॉकडाउन हुआ था, उनका अपना नुकसान हो रहा था, कौन आएगा अब, ये नुकसान कौन पूरा करेगा, कौन करेगा, आपको देंगे 2000 की टिकट, पहले दफ़ा मारे यार अगर नुकसान है यार, बारिशों से भी लोगों के घर उजड़ गए हैं, कई अमवात हो गई, अब तो खुदा के वास्ते कुछ इनको देख के ही कर लो सीधे, नहीं होना, इट विल टेक टाइम। जो मेरा है, मैं तो देखना 15 साल पहले गिनवाए आपके, उसके बाद जब आप सीखना शुरू होते हैं तो 5-10 साल आपको ये चाहिए, आपको 25-30 साल जो हैं इस तरफ के लिए चाहिए, और सिर्फ यही तरफ हो। अब कई वो आती थी बेचारी को करने के लिए, नहीं वो मैं बता गया हूँ आपको, स्टूडेंट्स आते थे, कईयों ने कुछ कहा, लेकिन एक ज़ुबैर बलोच साहब थे, वो एमए इंग्लिश कर रहे थे, वो यहाँ भी रहे एज ए एडवन में, एमए इंग्लिश कर रहे थे, वो बड़े बड़े अच्छे अभी जिंदा हैं, वो रिटायर टूर हो गए, चले गए, वो भी वेरी नाइस मैन, पढ़े लिखे आदमी थे सारे। अब किसी को पूछो भी कि कहना मेरे मुंडे ने तुम एक्टर बना दो यार, ये कोई लकड़ी पे रगड़ने वाला वो रहती है कि उसको करा देंगे, कैसे करा देंगे, आपको पता ही नहीं किसी बात का, हमें भी नहीं पता था, हमें क्या पता था हमारा रिस्क यहाँ है, फिर आने पौने चलो कर लो जी, चलो कोई पानी वाला आ गया, कोई मेकअप वाला आ गया, कोई कुछ आ गया, बस ऐसे ही दुनिया चलती रही। हाउ डू यू लाइक इट, डू यू लाइक मोर क्वेश्चंस? जी नाजरीन, साढ़े नाल मकसूद अख्तर साहब, तो मकसूद अख्तर साहब तो असी उन्होंने मशहूर तो ममनून हाँ कि अपने कीमती टाइम चो उन्हें टाइम दिता है, और हमेशा जिस तरह
सारी जिंदगी उन्होंने अपनी यूथ वास्ते अपनी आने वाली नस्लों वास्ते कोशिश की, जिस तरह अलहमरा की बुनियाद रखी, थिएटर बनाया और अज उन्हां दी अखां जो बार बार डिगदे होए आंसू इस गल की गवाही दे रहे सन कि अज भी उन्होंने अपनी यूथ वास्ते आने वाली नस्लों वास्ते उन्होंने दिल च दर्द है, खिच है, तकलीफ है, लेकिन वस नहीं चलता। और जिहड़े लोगों ने नाल खड़े होना सी उन्होंने एक अपना लहदा, एक फिरका, एक लहदा कबीला, एक लहदा टोला वो बना लिया। और लेकिन मैं जरूर जानना, इन्हां मेरे वड्डिया ने मैनूं जरूर दस्या है कि जिहड़े लोग अपने हीरोज़ नूं अपने मोसनां नूं भुल जांदे ने, जिहड़े लोग आसान फरमोश हुंदे ने, वो कदी दुनिया दे विच तरक्की नहीं करदे, ना ही वो कौमां जिहड़ियां ने कदी उभर के सामने आंदियां ने। लिहाजा मैं भी उन्हां जूनियर्स चों हाँ, लेकिन मेरिया अखां चों भी आंसू निकल आए, अबीदा हो गया, लेकिन ये तलख हकीकत ने जो सच ने। तो सर साढ़े व्यूअर्स नूं तुसीं की पैगाम दोगे अपनी तरफ? व्यूअर्स को ये पैगाम देंगे कि आप अपना, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, आप इसमें मेहनत करें, आप इसमें मेहनत करें, जो चीज़ आपको नहीं आती वो अपने किसी सीनियर से सीखें, जिसको आप सीनियर कहते ही नहीं बल्कि वो ऑलरेडी सीनियर है, उसने पता नहीं कितनी मारें खाई होंगी, हमें पता नहीं कितनी मारें पड़ी होंगी, मारें भी पड़ी थी, फिर मैं आगे भी मारा इनको, थिएटर वालों को, काफ़ी चीज़ हुई, मैंने अपना फिर वो काटा। एक ड्रामा मैं कर रहा था, फजल कमाल साहब उसके डायरेक्टर थे और उनकी मंगनी हो रही थी नैयर से, वो भी ना सच हीरोइन थी। मुझे किसी ने कहा यार तू आराम ना जरा जरा रोमांटिक रोल करन दे, दो सीन ने उहदे आराम ना करी, इन्हों का आपस में शादी होने वाली। अब मेरी टांगे कांपने लगी, जुमला गया था, मैंने उनका हाथ पकड़ना था और वो जुमला बोलना था, तीन या चार लफ्ज होंगे उसके, वो मेरी, अगर मैं जुमला बोलता था तो मैं हाथ पकड़ना भूल जाता था, अगर मैं हाथ पकड़ना याद रहता था तो मैं जुमला बोल जाता था। फजल कमाल साहब आए बाग में, ठा करके चपेट मारी, मैंने रोना शुरू कर दिया। फिर मैं आई सल्यूट टू नैयर कमाल, वो मुझे बाहर ले गए, कहते तुम अच्छा भला करते क्या करते हो? मैंने बाहर जा कहा, मैंने कहा बाजी मैं, मुझे किसी ने ये बताया है, तो कहते कौन सी बात है ये, चलो करो। उसने मेरा तीन दफ़ा हाथ पकड़ा, मेरी वो जो खौफ था ना वो निकाला उसने। दूसरा काम उसने ये किया कि फजल कमाल साहब सेट पे बैठे हुए थे टीवी के, तो सामने उन्होंने जाती आवाज़ लगा दी, क्यों मारा इसे तुमने, अच्छा भला कर रहा है, कौन कहता है, क्यों मारा है, आ जाना मारना। अब मैंने समझा ये तुम मेरे पास की होगी ना, और मैंने वो ड्रामा किया, फिर लाइव प्रोग्राम था, बड़ी जूते खाई, इसमें टीवी में खाई, थिएटर में मार खाई। थिएटर में ये था, हमें जो मदर लैंग्वेज होती है ना वो बच्चा जल्दी सीखता है, तो पंजाबी घर वाले बोलते थे, उर्दू कभी बोलते थे, तो हमें उर्दू में बोलने का बहुत मौका मिला और ज़ेर ज़बर नहीं आती थी। फिर एक अल्ताफ़ साहब थे, अल्लाह उनको जवारे रहमत जगह करे, रेडियो पे बहुत अच्छे ज़ेर ज़बर स्ट्रेसेस ये कहाँ लगाने हैं। मैं अभी एक जुमला बोलता हूँ, मैं उसमें स्ट्रेस करूँगा, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, बदल गए, मानी बदल गए ना, ये इनको नहीं पता, ज़ेर ज़बर नहीं आती थी। वो जब वो तंग आ गए, कहते उल्लू के पट्ठो, ये आठ आने मेरे से ले लो, चार चार आने खुद डाल लेना, एक लाइब्रेरी वो फरोसन से दुकान से फिरोज़ुल लुगात मिलती है छोटी वाली, 15 रुपए की मिल जाएगी, अगर कम हो जाए कुछ चार आने आठ आने तो मुझसे ले जाना। अब हमें ये तो जब था कि ये आदमी जो है मुझसे पहले ज़ेर ज़बर ना कर जाए, फिर वो लड़ाई होगी। फिर नईम ताज साहब सेक्रेटरी थे, वो लड़ाई होगी, तो उन्होंने कहा कि यार कि क्या हुआ, क्यों झगड़ा किया था? हमने कहा जी ये झगड़ा था हमारा। उन्होंने फिर एक पठान था वो, उसको ऑर्डर किया, उन्होंने कहा जी जब आए रात के किसी हिस्से में आए, दिन के किसी हिस्से में आए, ये लाइव ये जो लुगत है ये मेरी मेज़ पर पड़ी होगी, आपने मेरे कमरे का दरवाज़ा खोलना है, ये जो इन्होंने करना होगा करके चला जाएगा,
फिर दूसरा आ जाता था। ऐसे मार भी खाई, गालियाँ भी खाई, लेकिन जो जो शऊर बढ़ता गया तो मंदर अमीन साहब कोई आप मुझे अच्छी बात बता देंगे कि ऐसे नहीं ऐसे, तो वो फिर मन ने भी कहा, जहन ने भी कहा कि ये हमारी तो इसलाह हो रही है। मैंने उस ड्रामे में या उस डायलॉग में मंजर अमीन का नाम नहीं लेना, तो लोग तो मुझे देख रहे हैं, आइए और मारें। उस्ताद की मार तो फिर मार होती है। फिर मैंने आगे भी मारा, मुझे फिल्म इंडस्ट्री में भी पड़ी, टीवी में भी पड़ी, थिएटर में भी पड़ी। देखो ना फरोजा लोग आज लग 15 दिन किड्डा थानू सारे हम चंदा इकट्ठा करके सारा फिर शुरू हो गया। फिर बाहर के लोग आए, फिर उन्होंने कहा भज जाओ तुम कौन हो। जी नाजरीन, साढ़े नाल सन बाबा जी साढ़े, तो अज का शो कैसा सी ये बारे तुम अपनी राय देना, कमेंट्स करना, लाइक करना, शेयर करना, सानू तुहाडे बैकअप का इंतजार रहेगा इंशाल्लाह। अज असी बाबा जी नाल बहुत सारिया गल्लां करनियां चाहते सां, लेकिन असी स्टेज तो नहीं निकल सके, एक दुख मुकदा तो दूजा शुरू करते। फिर असी चाहवांगे दोबारा बाबा जी नाल एक बारी बैठक करिए, तो उहदे विच बाबा जी नाल असी टीवी के हवाले नाल गल करिए, क्योंकि असी नहीं चाहते कि बैक वक्त ही सारे बाबा जी बहुत ज़्यादा अबीदा हो गए, तो वह उन्होंने दिल च दुख है, वह दर्द है उम्र के उस हिस्से च ने जिथे उन्हां कोल गलत गल करन दी भी गुंजाइश नहीं। जो है वह लफज लफज सच है, वह एक एक मोती है, वह साढ़े काम का है, लेकिन वह जिहड़ा चाहिदा होए उहदे वास्ते वे। सो इहदे नाल ही मैं तुहाडे कोल इजाजत चाहवांगा, अपने कमेंट जरूर करना। चलदिया चलदिया प्यारे देश के नाम एक प्यारा जिहा नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम सज्जनो बेलियो ते मित्रो जोंदे ते वसदे रहो जनाब, तुसी वेख रहे हो अपना पंजाबी चैनल ABHD TV ते सत बिस्मिल्ला जी आया नू। ते जनाब अगर साडा चैनल पसंद आए ते इनू सबसक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ते जनाब सानू फॉलो करो ABHD TV फेसबुक, ABHD TV ट्विटर, ABHD TV इंस्टाग्राम। थैंक यू।